जिले में HIV एड्स से बचाव एवं नियंत्रण हेतु युवाओं एवं आम जनों को आस्था कलाकार गिरिडीह के द्वारा गुरुवार को टावर चौक पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। बताया गया कि झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति गिरिडीह के सौजन्य से यह जागरूकता कार्यक्रम पूरे गिरिडीह में चलाया जाएगा। इस मौके पर आस्था के कलाकारों ने लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एड्स से बचाव को लेकर कई जानकारियां दी, साथ ही लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। कलाकारों के द्वारा एड्स फैलने का कारण और कैसे यह बीमारी बढ़ता है, साथ ही इसका बचाव और रोकथाम कैसे किया जाए, इन तमाम बातों की जानकारी दी गई। तो आज गिरिडीह जिला में टावर चौक के पास हम लोग आस्था के कलाकार गिरिडीह की तरफ से एक नुक्कड़ नाटक सभा की है, जिसमें एड्स के संबंधित बारे में हम लोग बताए हैं। एड्स से कैसे बचना है और एड्स कैसे होता है। एड्स होता है कि असुरक्षित जन संबंध करने से एड्स फैलता है, और रक्त आदान प्रदान करने से। इससे हम लोग कोई अगर हॉस्पिटल चल गए, अगर आनन फानन में हम लोग खून अगर लगवा लेते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा ब्लड बैंक से लेना चाहिए और उसमें लिखा हुआ रहना चाहिए कि HIV मुक्त ब्लड बैंक, उसमें हम लोग को वही खून लेना चाहिए। और दूसरा है कि एक माह से शिशु में संक्रमण के द्वारा भी एड्स हो सकता है, ऐसे हम लोग को नहीं करना चाहिए। और जैसे जो गर्भवती महिला है उसे भी गर्भधारण करने से भी हानिकारक है। ऐसे में अगर गर्भधारण है, अगर बच्चे हैं, तो उसको शुरू से अंत तक जांच कराना चाहिए। बचाव के लिए क्या बचाव के लिए है कि मान लीजिए हम लोग को नौजवान भाई लोग परदेश उदेश जाते हैं कमाने के लिए, ना जाने अनजाने में असुरक्षित जन संबंध करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा निरोधक प्रयोग करना चाहिए, तभी हम लोग बच सकते हैं एड्स से।